हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुझे कन्हैया कुमार का एक कमेंट आया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि लड़की को अपने प्यार का यकीन कैसे दिलाए, उन्हें एहसास कैसे कराए कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो का इंटेंशन यही होगा कि हमें समझना है, दिखाना है कि मेरे दिल में कोई और नहीं है, तुम ही तुम हो, और अपने प्यार का एहसास दिलाना है। तो आज के वीडियो के इंटेंशन के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि किसी और से नहीं, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, ये समझाना है, यह दिखाना है। ये कैसे दिखाओगे? कई बार बोलने से, कई बार ऐसे सरप्राइज गिफ्ट देकर जिसमें आपने कोई खत लिखा हो, कोई मैसेज ऐसा छोड़ा हो, जिसमें ऐसे कोई शायरी मैसेज हो जिसमें आप दिखाते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, कोई और मेरे दिल में नहीं है। जब भी कोई लड़की जाती हो, आपकी GF आपके साथ हो, तब भी उसको ना देखकर भी आप ऐसा दिखा सकते हैं। आप ऐसे ही बातों में भी अपने किस्से ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा लड़कियों के साथ हुआ था लेकिन मैं ऐसे इग्नोर कर रहा था क्योंकि लड़कियों के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं, और कोई लड़की को मैं नहीं चाहता, इसीलिए मैं सिर्फ तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। ये बात आपको दिखानी होगी, समझानी होगी। अब अगला है कि उसको एहसास कैसे दिलाए। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि लड़की को अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए आपको रियल लाइफ में क्या करना होगा। उसमें सबसे पहले तो आपको दोस्ती करनी होगी। वो कहते हैं ना कि प्यार ही दोस्ती है, और ये सही भी है। अगर कोई लड़की आपको अपना बहुत ही अच्छा दोस्त मानती है तो वो आपकी फीलिंग्स को भी समझेगी। तो पहले दोस्ती, फिर प्यार। दोस्ती में सारे फर्ज आपको निभाने होंगे। कहते हैं ना कि प्यार में मुश्किलें आती है, बहुत ही सामना करना पड़ता है। अगर सच्चा प्यार होगा तो आप आखिरी सांस तक उसको निभाएंगे, कभी उन्हें अकेला महसूस ना होने दे। हो सकता है आपका प्यार आपको सिर्फ दोस्त ही नज़रिए देखता हो, लेकिन आप जो अपने फर्ज है वो कभी मत भूलिए, आपकी जो फीलिंग्स है वो कभी ना भूलें। उसमें दूसरे नंबर पे रिस्पेक्ट दें। हर लड़की को रिस्पेक्ट करने वाला लड़का बहुत ही पसंद आता है। हर लड़की यही चाहती है कि उसका होने वाला पार्टनर उनकी रिस्पेक्ट करे। अगर आप किसी लड़की से सच्चा प्यार करते हैं तो ज़रूर उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके साथ कम्फर्टेबल हो, उनको भी लगे कि आप वो एक कंफर्टेबल फील कर रही है। नंबर 3 पे है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, जितना हो सके उनके साथ टाइम स्पेंड करें, हमेशा उनसे मिलते रहें, उनकी हर काम में हेल्प करें, हमेशा फ़ोन से, सोशल मीडिया से या तो फिर किसी के से जरिए उनके साथ जुड़े रहें, इससे उनको आपकी आदत सी हो जाएगी। नंबर 4 पे है, सपोर्ट करें, उसकी हर कामों में उसकी मदद करें, और यह एहसास दिलाए कि दुख हो या गम आप हमेशा उनका साथ देंगे। जब भी वो डिस्टर्ब हो तो आप उनके साथ खड़े रहे, उनकी बातों को सुलझाए, दुखी हो तो उनके दुख के कारण को समझे, उन्हें सॉल्व करें, किसी बात से नाराज हो तो उन्हें हंसाने की कोशिश करें। बस आपको दिल और दिमाग में यही सोच डाल देना कि चाहे कुछ भी हो जाए आप उनके साथ रहना है। अगला है और आखिरी जो है वो है, अपने लव को टेस्ट करें। अगर आप उनके अच्छे दोस्त बन गए हैं तो एक लव टेस्ट करें। जैसे किसी बात को लेकर उनसे नाराज हो जाओ और देखो कि वो आपको मनाने आती है या नहीं। अगर आपकी दोस्ती सच्ची होगी तो वो आपको ज़रूर मनाने आएगी, बस और क्या चाहिए। इन सारी टिप्स को आजमा के आप देख सकते हैं, या तो फिर सामने वाले को एहसास दिला सकते हैं कि वो आपको कितना प्यार करती है, वो आपको कैसे लेती है, आपके प्यार के यकीन को आप पक्का कैसे बना सकते हैं। तो ये था जवाब कन्हैया कुमार के सवाल का। आप भी अगर आपके सवाल का जवाब वीडियो के थ्रू चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंड्स, वीडियो को देख रहे सारे GF राजा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं पढ़ना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।